अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी में टेंशन क्यों है, हम क्यों टेंशन लेते हैं, जिंदगी में टेंशन क्यों है और इस टेंशन को दूर कैसे किया जा सकता है। आजकल हर बंदा बेचारा टेंशन का शिकार है, जिसको देखो उसको टेंशन है। जो ही इंसान हो संभालता है उसको टेंशन ही शुरू हो जाती है। अब इसके टेंशन को हम कैसे दूर करेंगे, तो ये जहन में रख लें, हर वो काम जो हमारे इख्तियार में ना हो उसके मुतलका सोचना छोड़ दें और उस काम को छोड़ दें, बस जो हमारे इख्तियार में नहीं है। उस पर दलील हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटा यानी कि क्या उसको कहा, बेटा अल्लाह को मान ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत कि मान लेगा तो इन पे चलेगा, मेरी बख्शिश हो जाएगी। कहने लगा नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का अजाब आएगा। कहने लगे नहीं, साबीना जबली यासिबनी बिन अलमा, कि मैं तो पहाड़ों मुझे बचा लेंगे, मेरी हिफाजत कर लेंगे पानी से। तो अल्लाह से दुआ की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मेरा बेटा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम यह है तो आपका बेटा लेकिन इसको हिदायत नहीं मिलेगी। उसी वक्त दुआ मांगी, ये अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगता हूं और आपकी पनाह में आकर अब मैं इसकी यानी कि क्या नहीं करूंगा, इसके मुतलका कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं अगर करूंगा तो मैं नवाब फियत में से हो जाऊंगा, नवाफों में से हो जाऊंगा। तो अब नहीं इख्तियार में था, पैगंबर के बेटे को भी हिदायत नहीं मिली। और बाद घर में यूं होता है कि वालिद कह रहा है कि मेरे बच्चे बड़े दीनदार हों, बहुत ही ज्यादा अच्छे हों, लेकिन बीवी की लहर एक अलग ही होती है, वो अपने बच्चों का अलग जीत बना रही होती है। अब जब यानी कि क्या वो अपने तौर पर बहुत कोशिश करता है मेरा बेटा हाफिज हो, मेरी बच्ची हाफजा हो, मेरे बच्चे इस तरह करे, लेकिन उसकी एक अपनी सोच होती है। अब क्या करते हैं जब वालिद यानी कि ज्यादा टेंशन लेकर उन पर सख्ती करते हो, बच्चे बागी हो जाते, अब उसके अख्तियार में नहीं, जितनी कोशिश है भाई कर ली, उसके बाद कोई नहीं सही होता, तो बस कोई नहीं सही हो रहा तो ना सही। तो ये यानी कि टेंशन का बेहतरीन इलाज है, जो चीज आपके इख्तियार में ना हो उसकी टेंशन ना लें और अपने मामले को अल्लाह की जात पे छोड़ दें। फरमाया कि जब बंदा अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह उसमें उसको बेहतरी अता फरमाती है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपके बिल्कुल स्क्रीन के दाहिनी तरफ सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी क्लिक करें और बेल आइकॉन के जितने भी नोटिफिकेशन हैं उसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई इस्लामी मालूमात आसानी से फराहम हो सके।